फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, देखते हैं इसको। इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 एंड थीटा लाइज बिटवीन 0 टू 90 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। देखिए आपके पास गिवन है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो फ्रेंड्स आप देखिए, आपको एक बात ये मालूम होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है जब आपका ये थीटा सेम हो, और यहाँ जो वजह से फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए ताकि आप कॉमन ले लो 3, समझ में आ रही बात, ताकि ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 ये 3 कॉस स्क्वायर, यहाँ पर 7, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया इस तरह से 4 साइन स्क्वायर अलग ले लिया और 3 साइन स्क्वायर अलग ले लिया, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का मैं यहाँ पर पेयर बना लूंगा, तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 और अब कॉमन लेते ही वो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब ये देखिए, तो ये 3 प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1/4 बचा, ये 4 डिनोमिनेटर में आ गया। अब साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा होगा जब आप रूट लेंगे तो ये आएगा 1/2, ठीक है, रूट ले लिया मैंने दोनों का, साइन 1/2 का वो होता है, तो साइन 1/2 होता है थीटा 30 डिग्री होता है, क्लियर है वाली बात। तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी 30 डिग्री, अब यहाँ पर तो सब पाई में, तो अपन क्या करेंगे इसको पाई में चेंज करते हैं, 180 अपॉन पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके, तो 30 से 180 कितना टाइम गया, 6 टाइम, तो आप इसे कह सकते हैं पाई बाई 6, क्लियर है वाली बात, ऑप्शन नंबर 3।